हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन। ओके, जो दोस्त यूपीपीएससी बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से मैं शुरू करने वाला हूँ 5000 प्रश्नों का सेट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? मतलब वायु को, एयर को पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूटेड करने वाला नहीं है, इसमें से ढूंढना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, DDT। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी, जल में। ओके, नेक्स्ट है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपेरिन ने। ओके, अगला है, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन किस में पाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। अगला है, कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी जो पौधा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रोसरा। नेक्स्ट है हमारा, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक को। अगला है, आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेंडल। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है नौवां, आलू क्या होता है? तो आलू जो होता है ऑप्शन बी, एक प्रकार का तना है। ओके, नेक्स्ट है, चेचक के बेसिन को सर्वप्रथम तैयार किया? तो चेचक के बेसिन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, टीबी पर। ओके, नेक्स्ट है, भारत के लोगों की भाषा में पाया जाता है, भारत के लोगों की भाषा में क्या पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 30 ppm DDT। ओके, नेक्स्ट है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिर कटिन प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम से। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक होती हैं, तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ऑप्शन बी, दवाएं होती हैं। और अगला है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टो बैसिलस। क्वेश्चन बनता है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन है, राडार का आविष्कारक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन, ये था राडार का आविष्कारक। अगला है, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, ये जो यकृत होता है अपने शरीर में उसको प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। और नेक्स्ट है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट है,
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। और अगला क्वेश्चन बनता है, लोलक की कालावधि या कह सकते हैं टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो होती है वो ऑप्शन सी, उत्तर की ओर संकेत करती है। अगला है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन का ऐसा बनता है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। ओके, अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है? ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, आपको बता देता हूँ कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म रख दिया जाता है, एक लाइट पड़ती है, तो इसके जो अपवर्तन होता है, मतलब जो प्रकाश आपतित होता है इस पे, तो अलग अलग रंगों में बट जाता है, तो इसको प्रिज्म के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। जो कि होती है, याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, बैनी आहा पिनाला, आहा पिनाला, बै से मतलब बैगनी, नी से मतलब नीला, और आ माने आसमानी, हा माने हरा, और पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो तभी सूर्य ग्रहण होता है। और नेक्स्ट है हमारा, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड, मतलब 1/3 भाग जो होगा वो एच एन ओ थ्री और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो HCl होता है। ओके, तो 1/3 HCl प्लस 1/2 एक भाग अम्ल क्या कर रहा है, नाइट्रिक अम्ल, मतलब HNO3। मैंने उल्टा बोल दिया था, बट आप तैयार कर सकते हैं इसे। ओके, अगला क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड, मतलब KCN। ये होता है चूहे मारने का रासायनिक पदार्थ जो बनाया जाता है, इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा ऑप्शन डी, पानी। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो ऑप्शन ऊपर दिए हैं और दो नीचे, तो ऑप्शन डी, लोहा, जिसको कह देंगे Fe। ओके, नेक्स्ट है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो मिलती है ऑप्शन सी, एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। और अगला है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता का। ओके, क्वेश्चन है हमारा, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण, मतलब Cl के कारण हो जाता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 30% जो हीट होती है उसकी हानि होती है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के जो किण्वन से वो जो बनता है वो हो जाएगा इथाइल,
अल्कोहल। अगला है अमल वर्षा होती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कारखानों से। नेक्स्ट है हमारा गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु जो द्रव्यमान होता है वो नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ओके जब लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आपका ऐसा लगता है आपको प्रतीत होता है कि भार बढ़ रहा है और जब लिफ्ट से नीचे आते हैं तो आप अपने आप को हल्का फील करते हैं और तो वो होता है आपका जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा क्योंकि आपका गुरुत्वीकरण त्वरण क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस वेग से आप नीचे आ रहे होते हैं गुरुत्वीय त्वरण से इसीलिए आपका भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। नेक्स्ट है हमारा पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है मतलब अमोनियम क्लोराइड का पहले फार्मूला पता होना चाहिए NH4Cl तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके HCl प्लस NH3। ओके अगला क्वेश्चन है जस्ते के एक आयतन भाग या घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व जिसका है 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है तो पीतल का घनत्व क्या होगा तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 83000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके 83000। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब SiO2। ओके इससे क्रिया कर लेता है। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वह धातु कौन सी होती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। अगला कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का नाम ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपका एक नंबर क्लियर हो सकता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन व एसिटिलीन। ओके नेक्स्ट है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडॉन जिसका सिंबल होता है RN। ये अक्रिय गैस होती है जिसको कहते हैं नोबेल गैस। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या होता है तो सभी को पता होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। ओके अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है विकास का कारण होता है तो विकास का कारण जो होता है ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन
और अगला है क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैग्नीशियम, जिसको कहते हैं Mg। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सामने वाले चपट दांत, जिसको कहते हैं कृंतक। अगला क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी होती है, तो शर्कराओं में सबसे मीठी क्या होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रक्टोज। अगला, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका।